अस्सलामुअलैकुम जी। चलो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। इस व्लॉग के अंदर हमने क्या करना है क्या नहीं, आज मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल लेकर सीधा खेत की तरफ। उधर मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगा, वापसी पर जब आऊँगा ना कर्म वाली, उधर से यानी कि आपको बोरंग वगैरह ये वो ज़रूर दिखाऊँगा। ये वीडियो शायद थोड़ा पता खास हो जाए, इसको आपने ज़रूर देखना है क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं अब थोड़े ही ब्रेक के बाद, देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं। जा रहा हूँ यार, काम बहुत ज़्यादा थे, मैंने 5-6 व्लॉग बनाए भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब वो साथ था और अब व्लॉग बनाने नहीं देता, उसको नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, इसलिए नहीं बना सकता। खेत में जाऊँगा, काम है उधर, काम करके वापसी पर बना लेंगे व्लॉग। है फिर सारा दिन अपने पास ही है, सुकून से बनेगा व्लॉग, टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेनी। चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। खैरों बच्चे के लिए ये देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये देखो भरी कल्ले ही बांधी है, कल्ले ही यानी कि जो भी किया अकेले ही किया, कोई नहीं था, बांधा भी खुद, उठाया भी खुद है। ये घास लेके जा रहा हूँ मच्छी के लिए, देख रहे हो। पता नहीं रिजल्ट कैसा आ रहा होगा, मुझे खुद नहीं दिख रहा। पूरी तरफ बहुत टफ रास्ता है, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, फिर देखना रास्ता दिखाता हूँ। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैं अभी घर जाता, ये देख रहे हो, इधर से पैर फिसला और बदला गया। ये इधर बनना है, ये वाटर है, ये देखो, ये देख रहे हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मगर क्या करें, वो कहता है ना 100-200 रुपये बचाने की खातिर हम मेहनत भी बहुत करते हैं। यार टोके वाली मशीन ना सही नहीं होता घास उधर, ये जो करते हैं ना यानी कि बच्ची यानी कि रज जाती है ये वो। तो आज मैं आपको अपना खेत का थोड़ा विज़िट करा देता हूँ, अबू है नहीं इसलिए दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत माहौल। ये देखो जा रहे हो, मैं थोड़ी ये नहीं किसी और की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन नहीं है। ये क्रास हो जाओ, ये पहुँच चुके हैं हम अपनी ही ज़मीन में। ये देख रहे हो पीछे हम इधर कनक पूनी है, अगली ज़मीन भी देखो यानी कि रोटर वाटर मरवा दिया। ये देख रहे हो वाटर शाटर माहौल, ये देख रहे हो पेंड का माहौल है, देसी माहौल। आ जा बिलो सी, हाय 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 हाय, पैर गंदे हुए पड़े हैं, हाय हाय धोले पैर धोले। हले ब्रो, मैं खड़ा हूँ अपने ही बोरों के ऊपर और ये पानी चल रहा है तुम्हारे सामने, फील्ड का माहौल है जैसी, और आपको दिखाता हूँ वो छोटी बोर में। ये देख रहे हो बहुत अच्छा मंजर है, ये मेरा भांजा है इब्राहिम, ये रहो चलो है। ये जी हमारा होंडा से भी खड़ी हुई है, इसके ऊपर आए थे, मैं खेत में गया था अपने, उधर यार थोड़ा बिजी था इसलिए कुछ दिखा नहीं सका आपको। ये देख रहे हो और ये गाँव वगैरह, ये वाटर जा रहा है इसी तरह, यानी कि ज़मीनों के अंदर पानी लग रहा होगा। ये देख रहे हो माहौल, देसी माहौल है। अब मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ, फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। हाँ जी आओ भैया, आ जाए इब्राहिम। ए वो देखो बांझा हमारा, पता नहीं क्या कर रहे यार। ए हाँ जी क्या हो रहा है भाई साहब, ये बूट पा रहा है। ओए 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 ओए, हेलो लूसी भाई साहब, वो देखो बच्चा देख रहा है, आ जाओ इब्राहिम। उसका दिल लग गया, लग गया क्या, पानी की टीम, पानी पानी नू गए, वो पूछ रहा है कि पानी किधर जा रहा है। पानी तो भाई साहब उस साइड पर जा रहा है, देख रहे हो। चलते हैं अब रोड की तरफ, ये स्टार्ट कर दी जाए गाड़ी, क्लच नहीं नाप सकता क्योंकि दूसरा बंदा कोई और साथ है नहीं, तो लग गया गेयर और अब हमारी गाड़ी जा रही है, देख रहे हो ये चल रही है भाई साहब। ये जा रहा है सीधा खान बेले वाला रोड,
ये हम करमोली से निकल गए हैं। ये देख रहे हो, आपको माहौल दिखा देते हैं। ये मकई उजड़ चुकी है और देखो, और ये कूलर पड़ा हुआ है पानी के लिए, यानी कि ये जो मजदूर काम कर रहे थे उनके लिए ये। और अब आप खुद देखो ये गौर से पेंट का, आज आपको मैं देसी माहौल दिखा देता हूँ। ये कणक माशाल्लाह उग रही है, हमने भी रोनी कर दी है, दिखाऊंगा मैं आपको कल माहौल। ये देख रहे हो, ये चेक करो, पेंट है बिल्कुल, देसी माहौल है, बहुत मज़ा आता है। अब मैं लगाने वाला हूँ चौथा गेयर, ये लग गया। और वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ तो मैं देख पाऊँगा, और ये मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं। हर बंदा यकीन मानो अब बहुत ही बिजी हो चुका है, उसकी ये वजह है कि देखो हर बंदा यूँ भी हो चुका है। और ये भारी भारी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो, ये हर मैंने आज आपको मुकम्मल करमोली से लगे कर खान मिले तक आपको मैंने विजिट करा दिया, क्या है क्या नहीं, ड्राइविंग करना होती नहीं। ये देख रहे हो, बिल्कुल देहात है, बिल्कुल देहात है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको देख के। ये देखो जी, इधर ट्रैक्टर चल रहा है सामने, फोकस नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल पर हूँ और गाड़ी भी चल रही है। ये देखो इधर, यानी कि कुछ दिनों बाद कुल लग जाएगा, जो मैंने पानी आपको दिखाया, ये डंकी वगैरह खड़े हुए हैं, ये जा रहे हैं, देख रहे हो। ये जगह तो आपने पहले भी कहीं देखी होगी किसी व्लॉग के अंदर, ना थे पीछे है, उसी ने बनाया होगा इसका व्लॉग, देख रहे हो। मैं घर जाकर आपको बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगता है खान पहले हम पहुँचने वाले हैं, ये देख रहे हो जी हम, यानी कि मोटर वे भी आ गया किस्म का, यानी कि खान पहले के लिहाज से ये शायद मोटर वे ही है। ये देख रहे हो, पीछे से कोई बाइक आ रहा था, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। और अब ये देख रहे हो जा रहे हैं, ये भी थोड़ी देर बाद खान पहले के अंदर इंटर हो जाएंगे, थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। देखते हैं क्या बनता है, चलो। ये देख रहे हो गलियों के अंदर इंटर हो चुके हैं खान पीर की गली में। देखो ये रास्ता जाता है नादर लेके घर की तरफ, ये गियर निकाल लिया, ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता। ये देख रहे हो गली के अंदर पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं अपने ही घर कासम की रेड़ी पर। ये कासम के समोसे बगे, समोसे तैयार हो चुके हैं, ये फिंगर और ये जाम सैप और ये मुलेर, मेरा मुलेर समोसे बना रहा है। हाय, ये समोसे खाने का दिल कर रहा है, थोड़ा पैसे नहीं है मेरे पास, ये वाला चलो थोड़ा हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके फिर खाते हैं। ऋषि भाई इस सड़ पर देखो आप, ये ऋषि है भाई हमारा जी। भूख लगी हुई है, घर के अंदर कोई है नहीं, बिल्कुल ही अकेला हूँ, कोई नहीं है, और समोसे पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। मैंने प्लेट मंगवा ली है, उधर ही पड़ी हुई है, आपको दिखाता हूँ। देखो मेरी रेडी खड़ी हुई है इधर ही, यानी कि थोड़ी देर बाद में नहाकर मैं निकल जाऊँगा इसको रेडी को लेकर। ये देख रहे हो आज घर के अंदर कोई नहीं है, देखो ताले वगैरह लगे हुए हैं, ये मैं खेत से ले आया हूँ, ये ताला वगैरह लगा हुआ है। ये अंदर का आपको विजिट करा दूँगा, अभी मेरे पास चाबी नहीं है, सही है। ये देख लो सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, खजर खवाई पड़ी है, और अपने तो सिर्फ यही खाना है, ये पड़े हुए हैं जी। फिंगर चिप्स भी है, चटनी खंड रह जाए, मलूक है मलूक, बहुत। अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा उसको खाने में, थोड़ी ही देर में इसको खत्म कर दूंगा। बहुत मज़ेदार है, आप मुँह में पानी आता होगा, 30-40 रुपये की बात है, खुद ले आओ और खा लो।
मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। गिलास ले लिया, पानी पीता हूँ, बहुत ज्यादा ही प्यास। पानी भर लिया और पीता हूँ पानी। अब आए सांस के अंदर सांस, यकीन मानो बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी। अब निकलते हैं बाहर की तरफ और जाकर शैम्पू लेता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होकर सीधे निकलता हूँ रेडी की तरफ। फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं इस व्लॉग के अंदर। ये व्लॉग आपको थोड़ा खास लगा होगा और अब जानिए सिर्फ शैम्पू लेने, ऐसे देखते हैं है या नहीं है। वैसे इतवा नहीं जा रही बाबा, बड़े पैसे आए शैम्पू के, बहुत ज़्यादा पैसे पैसे निकल लो। का शुक्र है कभी किसी की घबराहट नहीं मुझे। अब जाता हूँ बाहर की तरफ, फिर देखता हूँ क्या बनता है क्या नहीं इस व्लॉग के अंदर। जी मैं दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका था, यानी कि मैं नहीं बता सका मैंने क्या किया क्या है क्या नहीं। काम बहुत ज़्यादा था रेडी पर, और यानी कि माशाल्लाह काम थोड़ा ज़्यादा था उसकी वजह से यानी कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सका। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और भी यानी कि थोड़ा घर के काम थे, और बिल की आज लास्ट डेट थी उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। घर पर मोबाइल है नहीं, मैं कॉल कर दूँ कि भाई बिल भरवा दो, मगर वह बिल के चक्करों में रह गए, ये वो कर करा के ना बहुत ज़्यादा काम था, इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा सकता। और अब मैं ये देखो अपना नाइट ड्रेस पहन के बैठा हूँ, और मैंने सोचा यार व्लॉग मैं तो भूल ही गया था, सो रहा था, तकरीबन 10 बज गई है, 10 बज के 25-30 मिनट हो गए तकरीबन, ऐसा ही टाइम हो चुका है। मैंने कहा क्यों ना यार व्लॉग को भी ख़त्म करना है, ऐसा तो नहीं है, मेहनत करनी चाहिए इंसान को, फिर ही कामयाबी मिलती है। और आपको ये भी लोग थोड़ा यार खास नहीं लगा होगा। अब मैं देखो ये एंड फ्री है ना, ये देख मैं तो गाने सुन रहा था सुकून से, फिर अचानक मुझे याद आ गया, मैंने कहा क्यों नहीं यार अपने व्लॉग को ख़त्म कर दिया जाए। और हाँ यार एक बात और सुन लो, कन्नू भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे और आपको हमारे ही जैसे नमूने पाओगे। कहने का मतलब ये भाई साहब हमारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और लाइक ज़रूर कर दिया करो। और सुनाओ, और जी ये देखो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, ये मैंने बला हुआ है इसकी वजह से मैं नज़र आ रहा हूँ, और आईफोन पे होता फिर भी नज़र ना आता यार। और आईफोन से मुराद ये कि भाई कमेटी नहीं खोल रही मेरी, अगर कमेटी खोल जाए ना हो जाएगा 50,000 की करप्शन जब होगी ना तो पक्की बात आईफोन आ ही जाएगा, एक्स आ जाए, एक्स मैक्स आ जाए, तो 10-20,000 तो यानी कि कुछ ज़्यादा रकम नहीं होती, ये तो बंदा कर ही लेता है। 70-80 तक इंशाल्लाह हम आएंगे मोबाइल, ये 50 का तो पक्का ही है, ज़्यादा पंप वाजी नहीं, यानी कि 50 का हम पक्का उड़ा देंगे, पक्की बात है। जैसी कमेटी खुलेगी, नादिर की कमेटी खुल चुकी है और नादिर ने आईफोन एक्स लिया, देखो एक दो व्लॉग उसके साथ भी शूट करूँगा, फिर देखना मेरी वॉइस भी क्लियर और मेरी शक्ल भी क्लियर और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अब आईफोन का इंतज़ार है, जैसे ही आईफोन आएगा मैं ज़रूर यानी कि मेहनत और भी यानी कि टफ़ कर दूंगा, यानी कि इस व्लॉग को इससे भी यानी कि अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा मैं व्लॉग को। वो इसकी वजह यही है सिर्फ, क्या मेरे पास अब आईफोन नहीं है, मेरा ज़्यादा दिल भी नहीं करता व्लॉग बनाने का, मगर क्या है मुझे हर रोज़ एक व्लॉग पोस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं अपना व्लॉग ज़रूर बनाता हूँ, ज़रूर बनाता हूँ। हाँ जी अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं आपको अगले ही व्लॉग के अंदर, दुआओं में याद रखना हमें, और यार प्लीज़ इसको समझते हो ना ये लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद, गुड नाइट आप।